अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे स्किन केयर की, और स्किन केयर में हम किसी भी चीज की बात करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी स्किन किस टाइप की है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 6 किस्म की स्किन टाइप्स होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा हम सबको आईना तो दिखा दूं। ये क्या लगा रही है तू, जरा मुझे भी तो दिखा। क्रीम लगा रही हूँ, इसकी तो बड़ी अच्छी स्मेल है, और कितनी चिकनी चिकनी है, ये मुझ पे सूट करेगी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ यार। तुम्हारी स्किन बहुत ग्लोई लग रही है, इतनी फ्रेश लग रही है। तुम कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हो? वो आजकल मार्केट में एक नई क्रीम आई थी, बस वही ली है, वही इस्तेमाल कर रही हूँ 5-6-7 दिन से। प्लीज यार मुझे भी बताना, मैं भी ट्राई करूंगी, मुझे भी ये ग्लोई और डूई इफेक्ट चाहिए, इतना फ्रेश लुक है। तो ये जो है मुजाहरा, ये हकीकत है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है क्रीम को खुशबू से और चिकनाई से कि वो चिकनी है और खुशबू उसकी अच्छी है तो बस ये लगा लो चेहरे पे, नहीं तो किसी को भी देख के किसी की भी स्किन फ्रेश ग्लोई लग रही है तो बस जो वो इस्तेमाल करना है वही हमने इस्तेमाल करना है, बस हमें वही इफेक्ट मिल जाएगा, ये जाने बगैर कि हमारी स्किन पे उस क्रीम का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि हमने कभी अपनी स्किन को समझा ही नहीं। हमारी जिल्द 6 किस्म की होती है। पहली होती है नॉर्मल स्किन, दूसरी होती है ड्राई स्किन, तीसरी होती है ऑयली स्किन, चौथी होती है कॉम्बिनेशन स्किन, पांचवी होती है सेंसिटिव स्किन, और छठी स्किन जो होती है वो होती है मैच्योर स्किन। मैच्योर स्किन क्यों कहते हैं उसको? वो इसलिए कि एज के साथ आपके जो है स्किन चेंज होती है, उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। एक दफा जब हम समझ जाते हैं कि हमारी जिल्द किस किस्म की है तो हमें मार्केट में आसानी से अपने हिसाब की चीज मिल जाती है, और हमें पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि वो नेचुरली हाइड्रेट स्किन होती है, पोर्स नजर नहीं आते, खिंचाव नहीं होता स्किन के अंदर, शाइन नहीं करती, पिंपल्स ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम नहीं होती, नेचुरली एक स्मूथ और ब्यूटीफुल स्किन होती है। ड्राई स्किन जिसके अंदर लचक और पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अक्सर डिसहाइड्रेट रहती है, खिंचाव का महसूस होना, सर्दी में जो है बहुत ज़्यादा उसका हसास हो जाना जिसकी वजह से आपकी स्किन का फटना, स्किन के जो है अक्सर मौसम नॉर्मल भी हो तो वो उसका उतरना, ये आपकी ड्राई स्किन होने का सबूत है। इसके साथ साथ इस स्किन को जो है एक्जेमा की भी प्रॉब्लम होती है, तो आपने वो क्रीमें लेनी है जो कि ज़्यादा ज़्यादा चिकनी हो ताकि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट रख सके। तीसरी स्किन टाइप है ऑयली स्किन, जो कि मेरी भी है। काफ़ी सफ़र करना पड़ता है इस स्किन टाइप के साथ, क्योंकि ब्लैक हेड्स, दाने और पिंपल्स वगैरह का आना जाना लगा ही रहता है। ये एक मोटी जल्द होती है जिसको बाहर की आबो हवा असरअंदाज नहीं करती, पोल्यूशन वगैरह से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी तरफ एक्सेसिव सिबम की वजह से जो है आपकी स्किन शाइन करती है, और वही सिबम जब बंद हो, जब ब्लॉक हो जाते हैं तो वो पिंपल्स की सूरत में बाहर की तरफ आते हैं, तो इसके साथ आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। कॉम्बिनेशन स्किन है नॉर्मल और ऑयली स्किन का मिक्सअप, वो इसलिए क्योंकि जो टी जोन है, जैसे कि आपका माथा हो गया, नाक हो गई, और यहाँ पे जो है आपका चिकना हिस्सा होता है, और बाकी जो है वो ड्राई या नॉर्मल स्किन आप कह सकते हैं उस तरह का होता है। इसके अंदर जो चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये कि ऑयली स्किन की जो स्किन केयर ट्रीटमेंट है वो आपने अपने चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करेगी। इसी तरह आप नॉर्मल या ड्राई स्किन की स्किन केयर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके टी जोन को सूट नहीं करेगी। उसके लिए मुश्किल नहीं है, आपको दो दो अलग चीजें लेके इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑल टाइप स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन की जो ट्रीटमेंट मार्केट में है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवी स्किन जो है वो है सेंसिटिव स्किन। जिस तरह के इसका नाम है इसी तरह इसके एक्शंस हैं। मौसम हो गया या आपको किसी भी तरह की कोई फीलिंग हो गई तो आपकी स्किन फौरन रेड होगी। दूसरा, आपने कोई गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ली तो आपकी स्किन में खिंचाव पैदा होगा, जलन महसूस होगी। बाहरी तौर पे जो है इसको धूप और पोल्यूशन से बचा के रखना होता है, और अंदरूनी तौर पे खाना पीना, स्ट्रेस
और अगर जेंट्स लोग हैं तो अगर आप स्मोक करते हैं तो ये भी आपकी स्किन के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। मेरे लिए आपको यही एडवाइस होगी कि कोई भी क्रीम अपने चेहरे पे इस्तेमाल करने से पहले आप कंसल्ट कर लें डॉक्टर को, और अगर मार्केट में आप जा रहे हैं तो एक दफा उसको ट्राई दें खरीदने से पहले। छठी स्किन है मेच्योर स्किन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्किन सेल रिन्यू होना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पतली होती जाती है। हर 10 साल में 6% जो है हमारी स्किन की मोटाई कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पतली होती जाती है और उसकी लचक खत्म हो जाती है। आपने वो क्रीम इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर विटामिन ए हो। रिनिटॉल के नाम से एक क्रीम है, मैं यहाँ लिख भी दूंगी, आपने वो मार्केट में मालूम करके इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर ये हो। रेनाटॉल जो है वो आपकी जिल्द के लचकदार रेशों और कोलेजन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी झुर्रियां कम रहती हैं और स्किन काफी अरसे तक जवान रहती है। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करना प्लीज नहीं भूलिएगा, ताकि सबको पता चल सके उसकी स्किन टाइप क्या है, ताकि हम सब हसीन जमील और जवान रह सके। सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।